पान मसालों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा, नामी ब्रांड के पान मसाले जांच में फेल। आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ब्रांडेड पान मसाले। रजनीगंधा हो या विमल या पान बहार, जांच में सब अनसेफ साबित। पान मसाला और गुटखा खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। और राजस्थान सरकार ने इसीलिए गुटखों पर बैन तक लगा दिया है। राजस्थान में हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन तंबाकू, मिनरल ऑयल युक्त पान मसाला, फ्लेवर सुपारी और फ्लेवर सुपारी को बनाने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद चिकित्सा विभाग ने छापेमारी शुरू की और गुटखों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें खुलासा हुआ कि 9 में से 7 पान मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट खराब। बड़े बड़े पान मसाला ब्रांड के 9 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 7 सैंपल मानक पर खरे नहीं उतर पाए। 1 महीने के अभियान में जयपुर में 16 सैंपल लिए गए थे। फ्लेवर्ड सुपारी के 7 सैंपल में से 2 सही मिले हैं। पान मसाला ब्रांडों के 5 सैंपल मिस ब्रांड कंट्रोवेंशन मिले हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पान मसाला खाना आपके स्वास्थ्य पर कितना खराब असर डाल सकता है। पान मसालों में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल की मिलावट है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए इन प्रोडक्ट पर सख्ती, सभी प्रोडक्ट से संबंधित बैच को वापस करने के आदेश जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर हुई थी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई। अनसेफ पाए गए पान मसालों को लेकर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। जिले के अंदर 4 अक्टूबर से एक प्रोग्राम हमने लगातार अभियान चलाया और लगभग 16 सैंपल हमने इनके पान मसाले और सुपारी के उठाए हैं, जिसमें 7 सुपारी के सैंपल लिए, सुपारी सैंपल सब पास हो गए हैं। 9 सैंपल हमने पान मसाले और गुटखे के लिए थे, जिसमें से 7 वो सैंपल अनसेफ श्रेणी में पाए गए हैं, 1 पास हुआ है और 1 मिस ब्रांड प्रकृति में पाया गया है। जो अनसेफ हैं उनके लिए हमने नोटिस इशू कर दी है, रिकॉल करने के लिए, सामान हटाने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से पान मसाले अनसेफ हैं। रजनीगंधा पान मसाला अनसेफ, पान बहार सिलेक्ट अनसेफ, नवरत्न पान मसाला अनसेफ, तानसेन ब्लू अनसेफ, विमल पान मसाला अनसेफ, पान बहार अनसेफ, पान मसाला नवरत्न बाबा अनसेफ। इस पूरे मामले में CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा की फूड टीम ने स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर छापेमारी की। मौके से सैंपल लिए गए और परीक्षण में खुलासा हुआ कि ये पान मसाले अनसेफ है। सरकार की मंशा है कि हमारी नई पीढ़ी को हम जो नशा परोस रहे हैं लोग बाग गुटखे के माध्यम से या और कोई तरीके से, उस पर पाबंदी लगे। आगे भी हमारे प्रयास ये जारी रहेंगे ताकि एक वातावरण बने राजस्थान में कि ये जो जहर परोसने का काम है नई पीढ़ी को या आम आदमी को, इस पर रोक लगे और इस पर सजा का प्रावधान भी हो।